26 जनवरी का दिन हर वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, यानी इसी दिन भारत ने अपनी संविधान को अपनाया था। हमारे देश का एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था, देश को उसका लिखित संविधान मिला था। इसी दिन को पूरे भारतवर्ष में खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। देश की आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस बार भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए स्कूल और विद्यालयों में कई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी के बेड़ियों से मुक्त जरूर हो गया था, लेकिन देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास अपना संविधान नहीं था। संविधान के बगैर देश को नहीं चलाया जा सकता है। ऐसे में तब एक संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान बनाया गया। इनमें निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम भूमिका रही। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। गहन विचार विमर्श मंथन कई बैठक के बाद बनाया गया। इस संविधान को भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और भारत को लोकतांत्रिक संप्रभु और गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। यह संविधान ही है जो भारत को सभी जाति वर्ग लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में यह तैयार हुआ था। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस का समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिया जाता है। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। परेड में भारत की 3 सेना, नौसेना, थल सेना, वायु सेना की टुकड़ी शामिल होती है और सेना की ताकत दिखाती है। ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराने और परेड व झांकियों आदि के शेष समापन के साथ यह राष्ट्रीय त्यौहार खत्म हो जाता है। बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव का समापन होता है। गणतंत्र दिवस का दिन गति का जायजा लेने, उभरती चुनौतियों के क्षितिज को मापने का अनोखा प्रदान करता है। हमने पिछले 74 वर्ष में पर्याप्त दूरी तय कर ली है, लेकिन संघर्ष के दिन समाप्त नहीं हुए हैं। आज़ादी मिलने और संविधान लागू होने के इतनी वर्षों बाद भी आज भारत राज भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा ऐसी समस्याओं से लड़ रहा है। सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इस समस्याओं से बाहर नहीं निकाला, तब तक स्वतंत्रता सेनानी का सपना पूरा नहीं होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।